सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। वन पीस के मांगा का एचिरो ओडा ने एक और नए अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मांगा सेल्स की। भाई पूरे वर्ल्ड वाइड 500 मिलियन कॉपीज बेच डाले हैं। अब देखो, जो लोग मांगा रीड नहीं करते या फिर जो लोग कॉमिक्स रीड नहीं करते हैं उनको ये बात ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं लगता होगा, बट मैं तुमको बता देता हूँ, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन ऐसे बहुत सारे यार कॉमिक बुक के सुपर हीरोज हैं। इनमें मालूम सुपरमैन को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी कॉमिक्स हैं इन सबसे ज्यादा सेल्स ना वन पीस के हैं। सुपरमैन कॉमिक्स के टोटल अभी 600 मिलियन कॉपीज हैं, बट मैं तुमको बता देता हूँ वो ना 1938 से चले आ रही है। और ओडा को शायद 22 या 23 साल हुए मांगा लिख रहा बंदा, और इतने कम टाइम पे इतने ज्यादा सेल्स करना भाई कोई हलवा नहीं है। और मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, जिस हिसाब से वन पीस की मांगा सेल्स चल रही है ना, आने वाले 4 या फिर 5 साल में वो सुपरमैन कॉमिक्स को बीट कर देगी। हो सकता है ये 3 से 4 साल के अंदर ही कर दे, हैरान मत होना, बिकॉज जिस हिसाब से इसकी मांगा सेलिंग चले जा रही है साल दर साल वो बीट कर भी सकती है। तुमको मालूम तो होगा वन पीस का जो मांगा है पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है मांगा सेलिंग के मामले में। सेकंड पे कौन है मालूम? डिटेक्टिव कोनन के मांगा का और मसाशी किशिमोटो 250 मिलियन कॉपीज के साथ। फर्क देख रहे हो ना भाई, वन पीस के डबल है। और ये लोग ऐसे वैसे मांगा का नहीं है भाई, नरूटो को कौन नहीं जानता यार, वो भी एक बहुत अच्छी सीरीज है। डिटेक्टिव कोनन का मैंने मांगा रीड नहीं किया, ना ही उसका एनिमे देखा है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्या तुमको लगता है ओडा को बीट किया जा सकता है? मैं तुमको एक बात कहता हूँ, आने वाले ना 40 से 50 साल के अंदर ओडा को बीट कर पाना नामुमकिन है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि इस साल वन पीस ने और क्या क्या कारनामे किए हैं, तो वन पीस की मांगा वीकली सोनन मैगजीन पे इस बार भी नंबर 1 पे है। और अगर मैं बात करने जाऊं वॉल्यूम्स के मामले में, तो इस साल नंबर 1 पे बनी हुई है जुजुत्सु काइजन, सेकंड पे कौन है मुझे याद नहीं है, थर्ड पे वन पीस है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आने वाले ना 10 साल में ओडा कितने सारे रिकॉर्ड बनाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। खैर, अब तुम्हारा क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।